खबर टीकमगढ़ से है, जहां दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित हजारी कुशवाहा ने मामले को लेकर पुलिस थाना बुटेरा में शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि गांव के नामी बदमाश ने जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिया है। पीड़ित हजारी कुशवाहा ने बताया कि गांव के प्रमुख भू माफिया श्यामलाल कुशवाहा, थोवन कुशवाहा और देशराज कुशवाहा ने एक राय होकर उसकी आधा बीघा जमीन पर कब्जा कर खेत पर मकान दिया है। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे रहे, जिससे पूरे परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थोवन, अंकित, वृंदावन क्यों झगड़ने के लिए आ गए थे? बोलो राजेश। अच्छा, राजेश भी क्यों झगड़ने के लिए आ गए थे? वो जी हम तार लगा रहे थे, इन्हें लगा नहीं था। जमीन तो आप ही की? आप ही की है जमीन तो हमारी। आप ही की है? हाँ। कितने डिसमिल है? जा है 50 डिसमिल। अच्छा, तो वो झगड़ना क्यों चाहे थे? झगड़ा भी कल भी हमने करी थी। हाँ। तो कल भी आ गए थे फिर, और थानेदार जाके गए थे कि लगा लीजिए तार, छोड़ देंगे। जो मामला है कि उसमें मैंने अपनी हती अपनी पट्टीदारी है, उनने बेड़ ली। अच्छा अच्छा, वो कितने डिसमिल बेड़ ली आपने? वो बेड़ ली मैंने 40-50 डिसमिल। उसका रकबा खसार नंबर क्या है? वो अपने पास है लेकिन यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा, रखे बंद। तो कब उन्होंने कब्जा कर लिया था? जो कर ला तो 1 साल पहले। तो पट्टे की है आपकी जमीन? तो अपने पट्टे की है। पारी कर रहे थे, पार लगाए थे, तो मार भी आ गए थे, बुरी बुरी गाली ले रहे थे, गन्ने 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 और मार भी आ गए थे। थाने गए थे आप लोग? आपके पति गए थे? मतलब भाई साहब गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कार्रवाई हुई उन पर? उनने साहब बेलवा गए थे और पैसे ले लिए और कोई सुनाई नहीं। नहीं, आपसे पैसे ले लिए क्या? उनसे उनसे।